साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा है कि कांग्रेस देश विरोध के जरिए राहुल गांधी के लिए लॉन्च पैड तैयार करने में जुटी है। देश पर चाइना की कोई कब्जा नहीं किया हुआ है। इस बार जो स्टैंड ऑफ है जिसमें बताया जा रहा है कि चीन ने कोई कब्जा कर लिया है, उस पर बहुत स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है कि किस प्रकार लीगेसी इश्यूज हैं। 43,000 स्क्वायर किलोमीटर ये लीगेसी इश्यूज हैं, किंतु वर्तमान में जो स्टैंड ऑफ हुआ जिसकी अभी डीएस्केलेशन की बात चल रही है उसमें हमारे देश पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। हां, अगर कब्जा हुआ है तो मां बेटे के मन के ऊपर 2008 के एमओयू के पश्चात हमें डर है चीन का कब्जा हो चुका है। ऐसी क्या बात है, रोज आप देखते हैं सुबह उठते ही चीन को लेकर हिंदुस्तान के ऊपर आक्रामक हो जाना, सरेंडर सरेंडर सरेंडर, इनको ये सैडिस्टिक प्लेजर क्यों मिलता है। कोई भी दुर्भाग्य आता है उस दुर्भाग्य को एक प्लेटफॉर्म के रूप में इस्तेमाल करके अपने बेटे राहुल गांधी का लॉन्च पैड बनाने की जो प्रयास कांग्रेस पार्टी करती है ये बात नहीं चलेगी, ये उचित नहीं है। द कांग्रेस पार्टी शुड नॉट यूज द मिसफॉर्च्यून्स फॉलिंग ऑन आर कंट्री लाइक कोरोना और इवन अ स्टैंड ऑफ विद चाइना एज अ रीलॉन्चिंग पैड ऑफ फॉलिंग कैरियर ऑफ मिस्टर राहुल गांधी। हर चीज में एक लॉन्च पैड ढूंढने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है। अपने क्लाउन प्रिंस, आदरणीय अरुण जेटली जी ने कहा था राहुल जी के लिए ही इज अ क्लाउन प्रिंस, क्लाउन प्रिंस को रिलॉन्च करने की जो कोशिश करती है ये कोशिश ठीक नहीं है। और इधर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनाने की मांग उठी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की है। खबर है कि ज्यादातर नेताओं ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग का समर्थन किया है। अभी सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी उपाध्यक्ष हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी के अध्यक्ष पद बनाए जाने की मांग कांग्रेस पार्टी के नेताओं के जरिए उठने लगी है। और राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत की तरफ से ये मांग एक बार फिर से की गई है और खबर है कि ज्यादातर नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई है कि राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बना देना चाहिए। अभी सोनिया गांधी कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष है। आपको याद होगा 2019 लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था, लेकिन वो काफी एक्टिवली मौजूदा सरकार को हमलावर तरीके से घेरते रहे हैं और इस बीच उनको फिर से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग जोर पर है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर नए कोरोना केयर सेंटर का मुआयना करने के लिए आमंत्रित किया है। इस कोरोना केयर सेंटर में 10,000 बेड का इंतजाम किया जा रहा है। ये कोरोना केयर सेंटर दिल्ली सरकार बनवा रही है। अपने पत्र में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सेंटर चलाने के लिए आईटीबीपी और आर्मी